और प्रैक्टिकल कुछ नहीं है मैं आपको आज प्रूफ के तौर पे दिखा दूंगी ये आप ऑलरेडी अपनी थ्योरी में कर चुके हैं सबसे पहले बात करते हैं मॉरफॉलोजी वाले की ठीक है मॉरफॉलोजी वाले की बात करते हैं प्रैक्टिकल कैसे एक्सेस करना है बहुत बच्चों के डाउट होता है कि मैम प्रैक्टिकल कैसे एक्सेस करें तो जब आप न्यू एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड करते हो एनसीईआरटी की वेबसाइट से तो यहाँ पर ऊपर एक क्यूआर कोड दिया होता है या तो आप अपने फोन से या तो आप अपने फोन से इस क्यू कोड को स्कैन कर सकते हो कैमरा में या पेटीएम ऐप से बहुत सारी ऐप्स हैं हैं जो स्कैन स्कैन करती स्कैन करोगे तो वो आपको एक एप्लीकेशन पर लेके जाएंगी पर ले के जाएंगी वेबसाइट पर लेके जाएंगे डॉट कॉम जो कि एनसीआर का ऑफिशियल ही है एक ये तरीका है मान लो स्कैनर वैनर आपका काम नहीं करता तो अगर तुम ध्यान दोगे तो इस कोड के नीचे ना इस बार कोड के नीचे ऐसे एक नंबर दिया हुआ है ये मैंने नंबर बड़ा करके लिख दिया है इस नंबर को आपको डालना है ई पाठशाला पर जैसे मैंने यहाँ पर खोल के रखा है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पर एक्सेस किया अपना क्यू आर कोड नंबर मैं वहां से कॉपी कर लेती हूँ नंबर है मेरा वन वन जीरो एट जीरो सी एच जीरो फाइव तो यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वन वन जीरो एट जीरो सी एच जीरो फाइव ठीक है गो कर लेते हैं जैसे मैंने गो किया तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन खुल गया टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेस्ट थ्री टेस्ट फोर टेक्स फाइव सिक्स। टेक्स, टेक्स वन टेक्स टू बेटा अपने नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं एनसीआरटी के

720 की ट होगी मुझे ट्वेंटी मार्क्स लेने हैं मुझे सात सौ नंबर लेना चाहिए, लेना है तो करना चाहिए। लेकिन, लेकिन बेटा जी, लेकिन ये आप तभी करिए कर बहुत है अगर इस पे सवाल आया तो देर आर हाई चांसेस कि सेक्शन बी में ही आएगा एंड सेक्शन बी में आपको पता है पंद्रह में से आपको दस सवाल ही करने होते हैं ऐसा तो है नहीं कि बेटा आठ अगर फैमिलीज है तो आठ सवाल इसमें से उठ के आ जाएंगे दिस इज अ वेरी 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 लीस्ट चांस लाइक दिस ऐसा होने के बहुत कम चांसेस है ठीक है जी अब दूसरी बात आती है इन्होंने और कहाँ बोला है कि हम प्रैक्टिकल डाल रहे हैं और बोला है आपके लोको मोशन वाले चैप्टर में तो चलते हैं लोको मोशन वाले चैप्टर की फोन से स्कैन कर लूंगी या मैं ई पाठशाला पे जाऊंगी और इस नंबर को वहां डाल दूंगी नंबर को जब मैंने वहां डाला तो मुझे एक ही प्रैक्टिकल मिला लास्ट वाले टेक्सट में मुझे एक ही प्रैक्टिकल मिला एंड दैट इज टू स्टडी स्टडी द्यूमन स्केलेटन क्या आपनेटन नहीं पड़ा हुआ क्या आपको नहीं पताल में कौन सी बोन्स क्या आपको, नहीं पता कि आपको सब पता है यानी कि आप ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हो तो सबसे मेजर चीज क्या है सबसे मेजर चीज है कि आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है इट इज नथिंग न्यू इट इज नथिंग न्यू ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं मैंने आपको करवाई है